डेढ़ साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग लगता है कि अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है, क्योंकि जमीन और आसमान से लड़ी जा रही इस जंग में अब समुद्री हमले शुरू हो गए हैं। आमतौर पर नौसेना की लड़ाई युद्ध में सबसे आखिर में लड़ी जाती है। बीती रात रूसी नौसेना ने यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक बंदरगाह को निशाना बनाया। समुद्र से लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए किए गए इस हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर उसके नौसैनिक अड्डे पर समुद्री ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरे मोर्चे पर डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन ग्रुप ऑफ फोर्सेस की इकाइयों ने ग्राउंड अटैक और आर्मी एविएशन के साथ मिलकर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन के तीन हमलों को नाकाम कर दिया है। दावे के मुताबिक यहां 260 यूक्रेनी सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए हैं। साथ ही एक टैंक, दो पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन, दो सैन्य मोटर वाहन, पोलैंड में बना एक ऑटोमेटिक टैंक सिस्टम और दो D-20 होविट्जर नष्ट कर दिए गए हैं। कुप्यांस्क दिशा में फ्रंटलाइन पर ज़ेपद ग्रुप ऑफ फोर्सेस की इकाइयों ने लड़ाकू विमानों और टैंकों की मदद से AFU की 47वीं मैकेनाइज्ड और 68वीं जैगर ब्रिगेड के तीन हमलों को नाकाम कर दिया है। यहां यूक्रेन को 50 सैनिक, दो टैंक, तीन पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन, दो पिकअप ट्रक और एक D-20 होविट्जर टैंक का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया इलाके में तोपों और भारी फ्लेम थ्रोवर सिस्टम की मदद से रूसी सेना की इकाइयों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें यूक्रेन के 5 हमलों को नाकाम कर दिया गया है। यहां यूक्रेनी सेना को 110 सैनिकों का नुकसान हुआ है। साथ ही दो ब्रैडली पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन और दो अमेरिकी स्ट्राइकर बख्तरबंद कैरियर वाहनों समेत 4 सैन्य मोटर वाहन, 3 अमेरिकी M777 टैंक सिस्टम, 2 ब्रिटेन में बनी FH-70 बंदूकें नष्ट कर दी गई हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।